केमिस्ट्री बाय संदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मेटलर्जी ऑफ ए। इसका मीन्स हुआ गोल्ड, सिल्वर और फिर एंड में एल्यूमिनियम। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले गोल्ड की मेटलर्जी। गोल्ड का सिंबल AU होता है और इसका एटॉमिक नंबर 79 और मास नंबर 200 होता है। गोल्ड का फर्स्ट मिनरल है कैल्वेराइट, जिसका फॉर्मूला AuTe स्क्वायर होता है। दूसरा फॉर्मूला AgAuTe पेटजाइट और तीसरा भी सेल्वेनाइट। तो बच्चों, हमने यहां पर क्या सीखा ओर्स को देखकर कि गोल्ड के साथ और गोल्ड और सिल्वर के साथ टेलोरियम मेटल हमेशा मिलता है। पर और गोल्ड सी वाटर में भी होता है और 0.02 टन गोल्ड मिलता है 1 क्यूबिक माइल वाटर को। अगर हम इवोपरेट कर दें तो हमें उससे इतना गोल्ड मिल सकता है, लेकिन ये बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है, इसलिए हम इस प्रोसेस से गोल्ड नहीं एक्सट्रैक्ट करते। तो मेनली हम गोल्ड को नेटिव स्टेट से एक्सट्रैक्ट करते हैं और जो गोल्ड मिलता है उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज होती हैं। उन इम्प्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए हम गोल्ड की रिएक्शन KCN से करते हैं और इसको मिलाने के लिए हम H2 और एयर भी पास करते हैं। इस प्रोसेस को हाइड्रोमेटलर्जी, लीचिंग और केमिकल मेथड कहते हैं। जब हम गोल्ड की रिएक्शन कराते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है और उस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ये होता है 4KCN2KOH। अब बच्चों, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ बच्चे गोल्ड की वैलेंसी +3 याद रखते हैं या होती है, लेकिन यहां पर +1 ही होगी, तो CN2 ही होगा, 4 नहीं होगा। अब हम गोल्ड की रिएक्शन बाद में मोर रिएक्टिव मेटल से कराते हैं जो गोल्ड को रिप्लेस कर देता है और खुद कॉम्प्लेक्स बना लेता है। एक बार क्वेश्चन आया कि कौन सा मेटल, तो हम जिंक मेटल का यूज करते हैं। बच्चों, कौन सी मेटल का हम यूज करते हैं? जिंक मेटल का। आप कोई कहेगा जिंक की क्यों? जिंक ज्यादा रिएक्टिव है प्लस ये वॉलेटाइल मेटल है, तो जो एंड में जिंक बच जाती है प्योर स्टेट में, उसको हम निकाल कर गर्म कर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा कोलाइडल AG और AU बनाने के लिए ब्रीडिंग आर्क मेथड का यूज करते हैं। किस मेथड का? ब्रीडिंग आर्क मेथड का यूज करते हैं। अब आया फेराडे गोल्ड बनाने के लिए हम AuCl3 की रिएक्शन जब फॉर्मल्डिहाइड से करते हैं तो हमें जो गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन मिलता है उसको हम फेराडे गोल्ड कहते हैं। ये हमने सरफेस में भी पढ़ा था। व्हाइट गोल्ड का मतलब होता है गोल्ड निकल के अलॉय को हम व्हाइट अलॉय कहते हैं। हमने ये भी सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा था कि पर्पल ऑफ कैसियस कैसे बनाते हैं। पर्पल ऑफ कैसियस गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, जिसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, AuCl3 का SnCl2 से रिडक्शन करते हैं, जिससे हमें AU और SnCl4 मिलता है। SnCl4 की हाइड्रोलिसिस हो जाती है और ये स्टैनिक एसिड बनाता है जो गोल्ड के कोएगुलेशन को रोकता है। पर्पल ऑफ कैसियस गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन है, पर्पल इसका कलर होता है, कैसियस ने इसको बनाया था, ठीक है ना, इसलिए इसको कहते हैं पर्पल ऑफ कैसियस। गोल्ड की प्योरिटी को हम कैरेट में एक्सप्रेस करते हैं। 24 कैरेट गोल्ड का मतलब होता है 100% गोल्ड। तो बच्चों, 18% में कितना गोल्ड होगा? तो 24 में होता है 100, तो 18 में होगा 100 × 18 / 24 = 75%। या बच्चों, 1 कैरेट 4.5% के बराबर होता है। एक बार KBC में क्वेश्चन पूछा अमिताभ बच्चन ने कि एक गोल्ड की ज्वेलरी के ऊपर 912 लिखा हुआ है, 912, इसका मींस क्या है? तो जो ज्वेलर होते हैं वो टेक्निकल लैंग्वेज में लिख देते हैं 912 का मतलब है 91.2%, और 91.2% का मतलब अप्रॉक्स 9% कम है। 9% कम है तो ये हो गया 22 कैरेट गोल्ड को। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट मेटलर्जी की तरफ, जिसका नाम है सिल्वर का ओर और मिनरल में जो हैलाइड ओर है AgBr, जिसको हम ब्रोमाइराइट्स कहते हैं, और Ag2 इसका मेन ओर है जिससे हम सिल्वर निकालते हैं, इसको सिल्वर ग्लैंस या अर्जेंटाइट कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? सिल्वर और अर्जेंटाइट। तो हम कर देते हैं क
करेक्ट। हम चलते हैं आगे, और इसका एक ये सिल्वर और है, एजी सल्फर एजी टू एस और एंटीमनी सल्फाइड दोनों का मिक्स हो, जिसको हम स्टोरोमीराइट्स कहते हैं और रूबी सिल्वर कहते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट और है एजी टू एस, अर्जेंटाइट और सिल्वर। इसको हम साइनाइड प्रोसेस से निकालते हैं, और गोल्ड को भी साइनाइड प्रोसेस से निकालते हैं, जिसको मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम हाइड्रोमेटलर्जी और केमिकल मेथड, लीचिंग भी कहते हैं। AgCl की रिएक्शन या Ag2S की रिएक्शन हम NaCN से कराते हैं एयर के प्रेजेंस में, दोनों के एक साथ समझा रहा हूं। दोनों ही रिएक्ट करके आप देख सकते हैं सेम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और गोल्ड में भी यही कॉम्प्लेक्स बनता है। अब यहां एयर क्यों पास करते हैं, ये जेई 2006 में आया था कि एयर जो Na2S बना है उसको Na2SO4 में कन्वर्ट कर देता है, जिससे Na2SO4 सॉल्युबल हो जाता है। अब जैसे हमने गोल्ड को प्रेसिपिटेट करने के लिए जिंक से रिएक्शन कराई थी, हम एजी को भी प्रेसिपिटेट कराने के लिए जिंक से रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि जिंक एक वोलेटाइल मेटल है और ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक एजी को डिस्प्लेस करके खुद कॉम्प्लेक्स बना लेती है और एजी प्योरीफाई हो जाती है, और जो जिंक इसमें बचती है उसको हम हीट करके एवोपरेट कर देते हैं। सिल्वर को प्योरिफिकेशन के लिए हम इलेक्ट्रोलिटिक मेथड का यूज करते हैं, या दूसरा मेथड जिसका नाम है क्यूपलेशन। इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम प्योर सिल्वर का बनाते हैं कैथोड, या मेटल के प्योरिफिकेशन में हमेशा प्योर मेटल का कैथोड बनाते हैं और इम्प्योर मेटल का एनोड बनाते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट में लेते हैं AgNO3। तो सिल्वर तो जाकर डिपॉजिट हो जाती है कैथोड पर, और गोल्ड एनोड मड में रह जाती है। इसका दूसरा तरीका है हाइपोप्रोसेस। हाइपोप्रोसेस में हम AgCl की रिएक्शन हाइपो से कराते हैं। हाइपो का फॉर्मूला होता है Na2H2O3। जब हाइपो और AgCl की रिएक्शन होगी तो आप देख सकते हैं दोनों की रिएक्शन से हमको मिलता है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फोटोग्राफी में भी बनता है। अब हमें इसमें से एजी को बाहर निकालना है, तो हम चलते हैं एजी को बाहर निकालने। हम एजी को सेपरेट करने के लिए जब उस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन कॉपर से कराते हैं, कॉपर क्योंकि सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होता है तो वो सिल्वर को डिस्प्लेस करके खुद कॉम्प्लेक्स बना देता है। अब आया नेक्स्ट मेथड, डी सिल्वराइजेशन ऑफ लेड। लेड में से सिल्वर निकालना। सिल्वर हमेशा लेड के साथ ही मिलती है, और इस प्रोसेस का नाम होता है पार्क प्रोसेस। ये प्रोसेस इन चार कंसेप्ट पर बेस्ड है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में चार ही चॉइस आती हैं, इसलिए चारों ही चॉइस दे दी जाती है और एक गलत। पहला कंसेप्ट क्या है कि जब हम 540 तक गर्म करते हैं, नेचर में एजी और लेड साथ साथ मिलती है, लेकिन 540 टेम्परेचर पर एजी जिंक में ज्यादा सॉल्युबल हो जाती है। तो जब हम इम्प्योर एजी में जिंक डालकर गर्म करते हैं 540 पर, तो एजी लेड को छोड़कर जिंक में सॉल्युबल हो जाती है। दूसरी बात, जिंक और लेड कभी भी आपस में मिलती नहीं है, जिंक और लेड कभी भी आपस में मिलती नहीं। तीसरी बात, जब हम इनको कूल करते हैं तो जिंक और एजी, ठीक है ना, जिंक और एजी पहले सॉलिडिफाई हो जाती है और लेड उसमें लिक्विड फॉर्म में और रह जाता है, जिसको हम फिल्टर करके निकाल देते हैं। अब एंड में जब हम गर्म करते हैं, क्योंकि जिंक ज्यादा वोलेटाइल मेटल है, तो जिंक चांदी को छोड़कर भाग जाता है। हमको इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी के साथ भागना नहीं चाहिए, आप जिसके साथ हो उसके साथ मत। अब इस मेथड से जो चांदी आई उसमें लेड की इंप्यूरिटीज, और उस लेड की इंप्यूरिटीज को निकालने के लिए क्यूपलेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। जो क्यूपल या कटोरी इसमें यूज करते हैं वो हड्डी से बनी हुई होती है, क्योंकि हड्डियां लेड को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जब हम उसमें इम्प्योर सिल्वर को डालकर गर्म करते हैं तो लेड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके लिथार्ज बना लेता है, और लिथार्ज को बोन एस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, और कटोरी में हमको मिलती है प्योर एजी, और
लेड को बाद में गर्म करके रिमूव कर। सिल्वर को निकालने का लास्ट मेथड है जब अब हम सिल्वर को सिल्वर के कॉइन से निकालेंगे। पुराने जमाने में चांदी के कॉइन बनते थे और एल्यूमिनियम के, तो हम उससे कॉइन सिल्वर निकालने की कोशिश करेंगे। हमने एक चांदी का सिक्का लिया और सिक्के को कंसंट्रेटेड HNO3 में डाल दिया। कंसंट्रेटेड HNO3 कॉइन से रिएक्ट करेगा और कॉइन्स में बेसिकली तीन मेटल होते थे, कॉपर, निकल और एजी, तो तीनों के ही नाइट्रेट इसमें बन जाएंगे, ठीक है ना। अब उन सॉल्यूशन के उसमें HCl डाल देंगे तो सिर्फ AgNO3 ही HCl से रिएक्ट करके AgCl बनाता है। तो ये JEE एडवांस के लिए अच्छा हो सकता है कि कौन सा नाइट्रेट HCl में डिजॉल्व हो जाता है, तो सिर्फ Ag नाइट्रेट HCl में डिजॉल्व होकर AgCl बनाता है। अब हम जो AgCl बना उसकी रिएक्शन NaOH के साथ में कराते हैं तो हमें Ag2O बन जाता है, जो टॉलरेंस रिजेंट की एक्टिव स्पीसीज है। अब इस Ag2O की रिएक्शन जब हम ग्लूकोज से कराते हैं, क्योंकि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है जो Ag2O से रिएक्ट करता है और Ag प्योरीफाई हो जाती है और ग्लूकोनिक एसिड मिल जाता है। इस AgCl से निकालने का एक और तरीका है, हम इस AgCl की रिएक्शन सोडा एस से कराते हैं, सोडा एस या वॉशिंग पाउडर से कराते हैं, तो वॉशिंग पाउडर AgCl को Ag में कन्वर्ट कर देती है और हमको मिल जाती है क्या, प्योर सिल्वर। सिल्वर की जो प्योरिटी होती है उसको हम टंच में एक्सप्रेस करते हैं, कितने टंच के, ठीक है ना। 100 टंच का मतलब 100% प्योर, 80 टंच का मतलब 80% प्योर, या फिर साइंटिफिक टर्म्स में Ag की प्योरिटी एक्सप्रेस की जाती है फाइननेस में। 1000 फाइननेस का मतलब 100% प्योर, 800 फाइन का मतलब 800 टाइम प्योर। तो हम चलते हैं, तो हमारी लास्ट मेटलर्जी बची है एल्यूमिनियम, और हम सबसे पहले देखेंगे एल्यूमिनियम के ओर। एल्यूमिनियम के खूब सारे ओर है, और पहले ये है तीन कॉम्प्लेक्स जिनमें है क्ले, माइका, फेल्डस्पार। माइका JEE 2016 या 17 के पेपर में आ चुकी है कि माइका का फॉर्मूला क्या होता है। दूसरे हैं ऑक्साइड ओर, जिसमें से बॉक्साइड मेन इंपॉर्टेंट ओर है, और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एल्यूमिनियम का मेन ओर है, ठीक है ना। इसके अलावा इसके दूसरे ओर्स में जो इंपॉर्टेंट ओर्स है वो है डाइस्पोर। डाइस्पोर में Al2O3 के साथ में एक H2O होता है, जबकि कोरंडम में एक भी H2O नहीं होता, और जीवी साइड में तीन H2O होते हैं, ठीक है ना। तो हम याद कर सकते हैं बॉक्साइट में 2 H2O, डाइस्पोर में 1 H2O, कोरंडम फ्री और जीवी साइड में 3 H2O। फ्लोराइड ओर में इसका इंपॉर्टेंट ओर है क्रायोलाइट, जिसका फॉर्मूला होता है AlNA3AlF6, जो इसके एक्सट्रैक्शन के टाइम में डाला जाता है। और लास्ट है सल्फाइट ओर, जिसको हम एलुनाइट या फिर एलम कहते हैं, एलम का मतलब फिट करी। तो हम चलते हैं, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने का मेन मेथड है बेयर्स प्रोसेस, और बेयर्स प्रोसेस को हम तब यूज करते हैं जब उसमें Fe2O3 की इम्प्यूरिटीज एक्सेस में हो, क्योंकि Fe2O3 NaOH में डिजॉल्व नहीं होता है, और अगर NaOH और अगर Fe2O3 और SiO2 दोनों ही हो तो अब हम हॉल प्रोसेस का यूज करते हैं, और जब केवल सिलिका की इम्प्यूरिटीज हो तो फिर हम सरपैक प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेयर्स प्रोसेस। बेयर्स प्रोसेस में क्योंकि Fe2O3 की इंप्यूरिटीज होती है, हम इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH से। NaOH बेसिक सब्सटेंस है और एल्यूमिनियम एक एम्फोट्रिक सब्सटेंस है, इसलिए Al2O3 NaOH में डिजॉल्व होकर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, जिसका फॉर्मूला है, तो बच्चों हमने लिखा फॉर्मूला Al2O3 प्लस 2 NaOH प्लस 3 H2। और जब इसकी रिएक्शन कराई तो हमें कॉम्प्लेक्स मिला 2Na(AlOH)4, जिसका नाम है सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट 3। और जब हम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की रिएक्शन CO2 से कराते हैं, ठीक है ना, तो CO2 क्या करता है, इसमें बेसिक उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और Al2O3 XH2 फिर से प्रेसिपिटेट हो जाता है,
इस L2O3 की रिएक्शन फिर से NaOH से कराते हैं तो हमें सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट की रिएक्शन H2O से कराने पर हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और NaOH मिलता है। इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो हमको Al2O3 बन जाता है, जिसको अब हम बॉक्साइट नहीं, उसको हम कहते हैं क्या? एलुमिना। अब हम इसी में देखेंगे जब हम हॉल प्रोसेस से करें, तो हॉल प्रोसेस में सिर्फ बच्चों इतना सा ही फर्क है कि हॉल प्रोसेस तब यूज करते हैं जब दोनों ही इंप्योरिटीज हो, और हॉल प्रोसेस में हम NaOH की बजाय Na2CO3 लेते हैं। तो पहले हमें सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिलता है, और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट की हाइड्रोलिसिस जब हम H2O से कराते हैं CO2 के प्रेजेंस में, तो हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करने से हमको मिलता है बच्चों क्या? Al2O3, जिसका नाम होगा बॉक्साइट। अब हम चलते हैं लास्ट सरपैक प्रोसेस की तरफ। सरपैक प्रोसेस में तब हम यूज करेंगे जब उसमें SiO2 की इंप्यूरिटी ज्यादा हो, ठीक है ना। सरपैक प्रोसेस से प्योरीफाई कराने के लिए हम बॉक्साइट की रिएक्शन कार्बन और नाइट्रोजन से कराते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन की रिएक्शन कराने पर हमें एल्यूमिनियम नाइट्राइड मिलता है, ठीक है ना। और एल्यूमिनियम नाइट्राइड या कोई भी नाइट्राइड वाटर से हाइड्रोलिसिस करने पर अमोनिया और मेटल का हाइड्रोक्साइड देता है। तो नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस करने पर हमें हाइड्रोक्साइड मिल गया, और हाइड्रोक्साइड को जब हमने गर्म किया तो हमें Al2O3 मिल गया, जिसको हम क्या कहेंगे बच्चों? जिसको हम कहेंगे एल्यूमिना, बॉक्साइट नहीं है। एल्यूमिना केमिकल रिएक्शन से बनता है, और Al2O3 अगर जमीन में से निकले तो हम उसे कोरंडम कहते हैं, और कोरंडम थर्ड हार्डेस्ट सब्सटेंस है। हम एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जिस प्रोसेस का यूज करते हैं उसका नाम होता है हॉल हीगल एंड हेराल्ट मेथड। तो हम पढ़ेंगे हॉल हीगल एंड हेराल्ट मेथड, ठीक है ना। इस मेथड में हम क्या करते हैं, Al2O3 को इसमें फिलअप कर लेते हैं। Al2O3 के अलावा हम इसमें डालते हैं क्या? हम इसमें डालते हैं क्रायोलाइट। क्रायोलाइट इसकी कंडक्टेंस को बढ़ा देता है, और डालते हैं फ्लोरोस्पार या CaF2 जो इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है, ठीक है। अब इस पूरे उसमें हम ग्रेफाइट के एनोड लगाकर लटका देते हैं, और यहां पर डाल देते हैं कार्बन का पाउडर, चारकोल का पाउडर। चारकोल के पाउडर का काम होता है जो हीट लिबरेट होगी उसको बाहर नहीं निकलने देता, ठीक है ना। और इससे ये बल्ब जुड़ा हुआ है, अब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करना शुरू कर दिया, क्योंकि ग्रेफाइट के एनोड, ग्रेफाइट एनोड का काम करता है। तो Al2O3 की रिएक्शन जब ग्रेफाइट के एनोड से होती है तो एल्यूमिनियम प्योरीफाई हो जाता है प्योर, और CO और CO2 बन जाते हैं। अब बच्चों CO और CO2 दोनों बनेंगे या CO या CO2 बनेंगे, ये अलग अलग डिपेंड करता है, क्योंकि एनसीईआरटी में CO और CO2 दिया हुआ है। एक बार नीट में आया था तब यही प्रॉब्लम आई कि CO बनेगा या CO2 या दोनों, तो मैं तो दोनों ही प्रिस्क्राइब करता हूं, और इसी के अकॉर्डिंग आंसर ठीक आता है। अब इंपॉर्टेंट बात देखो, एक कार्बन का वेट होता है 12 ग्राम, दूसरे कार्बन का भी 12, तो कितना हो गया 24। एक एल्यूमिनियम का 27, दूसरे का भी 27, तो 24 ग्राम कार्बन से एल्यूमिनियम मिलता है 54 ग्राम, ठीक है ना। तो अब अगर 1000 ग्राम एल्यूमिनियम बनाना हो तो बच्चों कितना कार्बन चाहिए? तो लमसम आधा किलो, या फिर एग्जैक्ट पॉइंट नहीं, 444 ग्राम। तो एक किलो एल्यूमिनियम बनाने के लिए हमें कम से कम एनोड आधे किलो के लेने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है क्रायोलाइट का काम क्या है, तो क्रायोलाइट उसकी कंडक्टेंस को बढ़ा देता है। दूसरा क्वेश्चन, CaF2 का काम क्या है, ये इसके मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ा कम कर देता है। या कंसेप्ट ये है, जब भी किसी सॉलिड में हम इंप्योरिटीज मिलाते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा कम हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन, ग्रेफाइट के एनोड को पीरियोडिकली चेंज क्यों करना पड़ता है,
इसको इसलिए चेंज करना पड़ता है क्योंकि ग्रेफाइट के एनोड Al2O3 से रिएक्ट करके CO और CO2 में बनकर उड़ जाते। चौथा क्वेश्चन, कार्बन पाउडर का यूज क्या है? कार्बन पाउडर का यूज ये है कि ये हीट लॉस को बढ़ाता है। तो हमें एल्यूमिनियम मिल गया है और अब हम एल्यूमिनियम को करेंगे प्योरीफाई। एल्यूमिनियम को प्योरीफाई करने का जो मेथड है उसका नाम है हूप प्रोसेस। उसका नाम है हूप प्रोसेस। और हूप प्रोसेस एक बिल्कुल सिंपल सी ऐसा एक कंटेनर ले लेंगे और उस कंटेनर में हम यहां से Al2O3 डालेंगे। जब हम इसमें Al2O3 डालेंगे तो हमें तीन लेयर मिल जाएंगी। सबसे नीचे होगी कौन सी, इम्प्योर एल्यूमिनियम, और सबसे ऊपर होगी प्योर एल्यूमिनियम, और बीच में इस जगह पर हमें BF2 और CF2 भर देंगे। ठीक है ना? तो अब बच्चों इसमें क्वेश्चन यही आता है कि हूप प्रोसेस में प्योर एल्यूमिनियम किसका काम करता है, कैथोड का, क्योंकि मेटल हमेशा कैथोड पर ही डिकम्पोज होता है। दूसरा, इम्प्योर एल्यूमिनियम किसका काम करता है, एनोड का। ठीक है ना? और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, BF2 और CF2 का काम क्या है? BF2 और CF2 की डेंसिटी प्योर और इम्प्योर एल्यूमिनियम के बीच में होती है, इसलिए वो दोनों को मिलने से रोक देता है। अब लास्ट आया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की मेटलर्जी यहां पे खत्म हो गई है और हम लास्ट एल्यूमिनियम का इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहे हैं जिसका नाम है एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस, और उसको गोल्ड स्मिथ प्रोसेस भी कहते हैं। इस प्रोसेस से हम चार मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और वो मेटल कौन कौन सी होती है, Mn, क्रोमियम, आयरन और बोरो। तो बच्चों क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस से किन चार मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? वो मेटल होती है Mn, Al2O3, क्रोमियम, Fe और बोरॉन। अब जब हम इसमें रिएक्शन एल्यूमिनियम की Mn2O3 से कराते हैं, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, Mn को डिस्प्लेस कर देगी और Al2O3 बना लेगी। जब हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन Cr2O3 से कराएंगे तो Al2O3 बन जाएगा और क्रोमियम को डिस्प्लेस कर देगा। ऐसे एल्यूमिनियम जब Fe2O3 से रिएक्ट करेगा तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। इस रिएक्शन को हम एल्यूमिनियम थर्माइट वेल्डिंग कहते हैं, और इस मेथड से हम रेलवे ट्रैक की वेल्डिंग करते हैं। जहां पर हमें रेलवे ट्रैक टूट जाता है वहां मशीन लेकर जाते हैं जिसमें ये दोनों सब्सटेंस भरे होते हैं, और वहां जाकर हम मैग्नीशियम के रिबन से और BaO2 से उसमें आग लगा देते हैं। इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि रिएक्शन इनिशिएट हो जाती है और आयरन, मोल्टन आयरन नीचे निकलने लगता है जो टूटे हुए ट्रैक में फिलअप हो जाता है। और लास्ट आप देख ही सकते हैं B2O3 को एल्यूमिनियम डिस्प्लेस करके Al2O3 बना लेता। तो Fe2O3 का बच्चों काम क्या, 2AlFe2O3 से मोल्टन Fe निकालता है जिसका काम है रेलवे ट्रैक को वेल्ड करना। अब ये इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में है कि Cr2O3Al की जो डेल्टा जी होती है वो 287 होती है, फिर भी ये रिएक्शन कमरे के टेम्परेचर पे क्यों नहीं होती? तो ये कमरे के टेम्परेचर पर इसलिए नहीं होती है क्योंकि इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है। अब लास्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का इस रिएक्शन में काम क्या है? एल्यूमिनियम इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, मीन्स ये रिडक्शन करता है। तो हमारी मेटलर्जी ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है। हम आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।